टाटा समूह को भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी डीजीसीआई से देश के पहले सीआरआईएसपीआर कोविड 19 परीक्षण को कमर्शियल रूप से शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। टाटा सन्स ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि यह जांच सटीक परिणाम देने में पारंपरिक आरटीपीसीआर परीक्षण के समकक्ष है। इसके अलावा यह सस्ता और कम समय में परिणाम देने वाला पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग भविष्य में अन्य महामारियों के परीक्षण में भी किया जा सकेगा। कंपनी ने कहा कि टाटा क्रिस्पर परीक्षण CAS9 प्रोटीन का इस्तेमाल करने वाला विश्व का पहला ऐसा परीक्षण है जो सफलतापूर्वक कोविड 19 महामारी फैलाने वाले वायरस की पहचान कर लेता है। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड के CEO गिरीश कृष्णमूर्ति ने कहा कि कोविड 19 के लिए टाटा क्रिस्पर टेस्ट के लिए स्वीकृति वैश्विक महामारी से लड़ने में देश के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। टाटा CRISPR परीक्षण का व्यवसायीकरण देश में R&D प्रतिभा को दर्शाता, जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा और वैज्ञानिक अनुसंधान जगत में भारत के योगदान को बदलने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टाटा समूह ने CSIR, IGIB और ICMR के साथ मिलकर मेड इन इंडिया उत्पाद तैयार किया जो सुरक्षित, विश्वसनीय, सस्ती और सुलभ है। कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया परेशान है। जिस गति से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे संक्रमण की जांच के लिए किए जाने वाले टेस्ट की संख्या भी बढ़ रही है। एक दिन में 7,31,534 नमूनों का टेस्ट किया जा चुका है। ये टेस्ट बीते दिनों किए गए थे। अब तक देश में 6,43,92,000 से ज्यादा नमूनों की जाँच हो चुकी है। इसकी जानकारी ICMR ने दी है।